तमाम दोस्तों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं डॉक्टर को एक वीडियो देना चाहता हूँ। दो सीधी सी अनुष्का लिए अनुष्का, और बोलना चाहता हूँ कोई दवाई नहीं खिलाना पड़ेगा। मैं कबूतर को दवाई नहीं खिलाता हूँ। मेरा पप्पा का ये दिमाग है, मेरा पप्पा पालता था, अभी मैं ही पालता हूँ। ये मिट्टी और ये घास पौधा, ये जब तक एक कबूतर मिट्टी और घास खाएगा तब तक कबूतर बीमार नहीं पड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। मैं कोई दवाई नहीं खिलाता हूँ। ये देखो खा रहा है ना, दो दिमाग घर घर नस्ल और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं ज्ञान दिया, देखो आप लोग को अच्छा लगेगा तो देखने का। ये मिट्टी जब तलक है, हम लोग का घर भी मिट्टी का घर है। हाँ, ये मिट्टी और ये घास पौधा कबूतर खाएगा तो कोई बीमारी नहीं पड़ेगा। और डॉक्टर साहब को मेरा कबूतर दिखा रहा हूँ, ये मेरा कबूतर है। हड्डी जोड़ के बारे में एकदम उमदा असल है। और ये कबूतर पूरा कबूतर जितना है मेरा 70-80 पीस कबूतर है। तो सब कबूतर टमलंग करने वाला कबूतर है, जो टमलिंग करता है वो कबूतर है। इंसान तो कबूतर पालता है, कबूतर पालने का एक तरीका है। तरीका बोले तो कैसा, बाजी लगाया, ये लगाया, तो खाली वो बाजी लगाने के लिए शौक नहीं है, ये खुद का शौक है। खुद उड़ाओ, खुद कबूतर को संभालो, कबूतर का अच्छा से देखभाल करो, देखो क्या हाल है, क्या कर रहा है, कौन सा कबूतर कौन सा बीमारी पे पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है। मेरा तो अल्लाह का रहम से कोई बीमारी नहीं पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता है। बीमारी पड़ता है तो ये मिट्टी और घास पौधा ये वो खा के सही हो जाता है। और दवाई खिलाता हूँ तो ली 52, बस खाली ली 52 खिलाता हूँ, खाली हजम करने के लिए। ये मेरा कबूतर है, देखो कैसा लग रहा है। सब टमलर्स कबूतर है, जो टमलिंग करता है वो कबूतर है, कोई दूसरा नस्ल नहीं है, कुछ नहीं है, खाली टमलिंग वाला कबूतर है। ये जितना कबूतर है सब टमलिंग वाला कबूतर है। और एक बात बोलना चाहता हूँ, ये कबूतर पूरा भारत में यही कबूतर था, दूसरा कोई कबूतर नहीं था मेरे हिसाब से। मेरा पापा का बात सुनता हूँ तो मेरा पापा भी बहुत बहुत दूर तक जाता था, दोस्त भी था, घूमता था। और ये मिट्टी, मेरा पापा का दिमाग है मिट्टी और ये घास, देखो खा रहा है ना, सब कबूतर खा रहा है ना, मैं खिला नहीं रहूँ ना, ये घास और ये मिट्टी खाएगा ना बीमारी नहीं पड़ेगा मेरा हिसाब से। और कबूतर छत पे पालेगा तो थोड़ा बीमारी पड़ेगा, कबूतर छत पे पालेगा तो बीमारी पड़ेगा, ये मेरा हिसाब से। उधर मिट्टी नहीं मिलता है, घास पौधा नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है। और क्या है, मिट्टी में घास पौधा निकलता है तो ये लोग खा लेता है। सब तमाम दोस्तों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं क्या नमस्कार पहले बोला, मैं हिंदू नहीं हूँ, मुस्लिम हूँ। किसके लिए नमस्कार बोला, नमस्कार बोला जी, हिंदू मुस्लिम बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। खुद भाई भाई हूँ, झगड़ा जाटी ये वो मत करो भाई, खून एक ही ऐसा है, तुम्हारा भी लाल है, हमारा भी लाल है। ये दुनिया में
ऐसा ही चलता आ रहा है नस्ल इंसान का भी, जो बोलता है मुस्लिम ख्रिस्टान ये वो, भाई खून निकल के देखो सबका लाल है। घास पौधा खा रहा है ना, और हड्डी जोड़ के बारे में कबूतर पक्का है और नस्ल भी पक्का है। मैं एक बार डॉक्टर साहब को बम्बई में था तब पूछा था, भाई डॉक्टर साहब मेरा कबूतर निकल जाता है। डॉक्टर साहब बोला जी उसका हाल आप खुद सोचो, क्या कबूतर में क्या हो रहा है, मैं खुद सोच के ऐसा ऐसा जोड़ा लगाया हूँ एक भी जाया नहीं होता है। मैट्रास कबूतर भी फेल हो जाता है एक कबूतर के बारे में, एक घर से निकलता है ना दो दिन तीन दिन चार दिन बाद भी निकल के घर पे आके फिर आता है। बच्चा निकलने का टाइम में, जो निकलने का टाइम में छोटा बच्चा होता है ना, वो बच्चा निकल जाता है ना, वो बच्चा निकल के फिर घर पे आ जाता है, पकड़ नहीं पाता है कोई। और इधर चिड़ी मारी बहुत करता है, भाई चिड़ी मारी मत करो, कबूतर का बारे में सोचो। कबूतर एक बुक है, जितना पढ़ोगे उतना आपको ज्ञान मिलेगा। ये मेरा कबूतर का लॉफ्ट है, भाई छोटा मोटा गरीब का आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, मिट्टी का घर का सब लॉफ्ट है, सभी मिट्टी का है भाई, ये देखो सब मिट्टी का है। अस्सलाम वालेकुम।